आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रविंद्र जी, इसे बात करें अगर M6 कॉटन की, तो कॉटन में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्योंकि हमने कॉटन में एक अच्छी तेजी के बाद एक अच्छी गिरावट भी आते हुए देखी है और अब अराइवल्स भी हैं, लेकिन इसी बीच देखने की बारिश ने भी अब कॉटन की जो क्रॉप है उसको डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में अब आगे कॉटन का जो रुझान है वो कैसे रहने वाला है? कि कॉटन की बात करें तो कॉटन की जो तेजी है ये टोटली डिपेंड करेगी कि कोविड का जो वेरिएंट है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है मार्केट को, क्योंकि अगर कोविड वेरिएंट मार्केट को इंपैक्ट करता है तो डिमांड भी उसी तरीके से इंपैक्ट होगी, तो प्राइसेस में फिर अपसर्ज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोविड वेरिएंट जो है वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है तो चांसेस ये है कि इसमें रैली देखने को मिलेगी फर्दर अपसाइड, क्योंकि हेल्दी करेक्शन हो चुका है और यहाँ से बाइंग अगेन इनिशिएट हो चुकी है। इंटरनेशनल कॉटन की बात करें तो वो भी हायर साइड मूव कर रहा है, ऑलरेडी 1% हायर साइड में वो मूव कर रहा है और हमारा M6 कॉटन भी उसी फुटस्टेप को फॉलो करते हुए हायर साइड मूव कर रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 30,000 के आसपास का सपोर्ट था, वहीं से हमने देखा कि M6 कॉटन जो है वो बाउंस किया था और अब 32,000 के आसपास 31,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में 32,000 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं जी। लेकिन थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड करना बेहतर रहेगा जी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।